दोस्तों ये देखिए आज मैं आपको अपने खेत की फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ ये जो हमने गेहूँ बोए थे आज मैं आपकी इसको जानकारी देने जा रहा हूँ ये लगभग हमारे साढ़े पाँच बीघे के करीब का खेत है तो इसकी पूरी जानकारी दूंगा इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों ये जो गेहूँ है ये डब्ल्यू एक वाले गेहूँ हैं ये टाटा और वगैरह ये दूसरे वाले गेहूँ नहीं है ये जो है डब्ल्यू एक वाले गेहूँ हैं वो लगभग ये पंद्रह दिन के हो चुके हैं इनकी आप कंडीशन देख रहे होंगे पंद्रह दिन के हो चुके हैं और आगे चल के देखाता हूँ मैं आपको ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इनको जो एक बार तो हम पानी पिला चुके हैं और अब दो चार दिन बाद वापस से मोटर चालू करेंगे हम इसलिए मैं देखा हूँ आपको ये कैसे ये देखिए ये पंद्रह दिन के लगभग के गेहूँ इसमें हमने जो है लगभग दो कट्टे डीएपी खाद का उपयोग किया था और अब थोड़े दिन बाद वापिस से दो कट्टे यूरिया खाद डाल देंगे तो क्या है कि गेहूँ पक कर तैयार हो जाएंगे वो लगभग हमने इसमें जो है अब दो चार दिन बाद वापस से इसमें पानी डालेंगे और बाकी का काम करेंगे अब इसमें तो, दोस्तों ये जो गेहूँ ये लगभग चार बार पानी पिलाएंगे तब जाके ये पूरे पकेंगे इसलिए हमको अब दो चार दिन बाद वापस से एक बार और पानी पिला देंगे और इसकी जो है आपको टाइम टू तो टाइम सभी जानकारी देते रहेंगे इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको गेहूं की हमारे पास अलसी और भी बहुत सारी फसलें जिसकी हम आपको जानकारी टाइम टू टाइम देते रहें ये देखिए गेहूं आप अलसी है एक में हमने जो है रावाम इसकी भी ना। हमने करी थी जानकारी दी थी सरसों की मतलब तो हम आपको क्या है तरह तरह की फसलों की जानकारी देते रहेंगे और भी अगर कोई सरकारी योजना वगैरह आएगी किसान खेती के बारे में तो उसकी भी जानकारी देंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये देखिए गेहूँ ये हमारे खेत की है घर की इसलिए क्या है आपका जानकारी भी अच्छे से मिलेगी हम टाइम टू टाइम क्या क्या करते हैं और कितना खर्चा आएगा इसमें कितनी लागत आएगी कि सारी जानकारी देंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद